Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very very important for all of you because Infosys breaking news related to the training of new joint batches. Like so many candidates join on October 24 and मेरे brother की भी जो joining थी वो 24 October को ही थी Infosys में. पर अभी एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, ऑफलाइन ट्रेनिंग होने वाली है. ऑफलाइन ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाली है, स्ट्रीम ट्रेनिंग, एफए एग्जाम, रिमेनिंग ज्वाइनिंग. आपको मैसूर जाना पड़ेगा या जहां भी आपको इन्फोसिस टीम बुलाती है वहां पर आपको जाना पड़ेगा. देखिए, अगर आप एफए एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो भी वहां पर एक टर्मिनेशन का वो रहता है कि फिर कंपनी मतलब यहां पर टर्मिनेट कर देती है. पर आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि वो जो टर्मिनेशन है उसको माइंड में ना रखते हुए अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर आपको फोकस करना है. आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. आप सभी को जो मैं ये साइट्स बता रहा हूँ, इन साइट्स को आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएगी. ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि किस टाइप से, जो कि फॉर्मर सिस्टम्स इंजीनियर है इन्फोसिस लिमिटेड में, संतोष सर, उन्होंने बोला कि हाउ डू आई स्कोर गुड मार्क्स इन इन्फोसिस ट्रेनिंग, मतलब कैसे आप कर सकते हैं. उससे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि मेरे ब्रदर को भी अपडेट आ गया है कि उन्हें भी जो है मैसूर जाना पड़ेगा और मैसूर में ही ट्रेनिंग रहेगी. और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एफए एग्जाम्स होती है या फिर जितने भी असेसमेंट्स होंगे वो सब ऑफलाइन होने वाले हैं. ठीक है, अब जो ऑनलाइन होता था पिछले 2 साल से वो ऑनलाइन कैंसिल हो चुका है, अब ऑफलाइन होने वाला है. मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए जो रिमेनिंग ज्वाइनिंग्स है, ठीक है, जो रिमेनिंग ज्वाइनिंग्स बची है या फिर कैंडिडेट्स को रिमेनिंग ज्वाइनिंग आना बची है, उनको भी ऑफलाइन ही बुलाया जाए ट्रेनिंग और एग्जाम्स से रिलेटेड. मतलब यहाँ पर आपको बहुत सीरियस तरीके से इन एग्जाम्स को लेना पड़ेगा क्योंकि आपको अब पढ़ना पड़ेगा. एक्चुअल में यहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. और सबसे बड़ी बात, जैसे कि एक मतलब देखिए, दो चीजें होती है. पहली चीजें तो ये होती है कि आप अपने घर पे रहते हैं. अगर हम नॉर्मल ट्रेनिंग की बात करें, अगर वो ऑनलाइन होती तो हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ भी सकते हैं. पर वहां पर जैसे अब वो सिनेरियो नहीं है, यहाँ पर आपका एक शेड्यूल रहेगा. शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए, मैं भी इन्फोसिस में सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, मैंने भी जो है एफए एग्जाम्स और सारी चीजें दी. वहां पर मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी तो मेरी पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही थी. ठीक है, पर बात करें यहाँ पर शेड्यूल के बारे में, तो आपकी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग रहेगी उसमें शेड्यूल रहेगा, इतनी बजे से इतनी बजे तक आपकी ये क्लास है. जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी रहता ही है, पर इतनी बजे तक आपकी क्लास है, ये आपकी असेसमेंट की डेट है. फिर आपको जो भी टाइम मिलेगा आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा. आप सभी को बता रहा हूँ ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इन्फोसिस टीम अगर अभी 2 अटेम्प्ट देती है, 3 अटेम्प्ट देती है, उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर एक टर्मिनेशन हो जाता है. तो इससे अच्छा है कि आप सभी को बहुत यहाँ पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. इंजॉय भी कीजिए, साथ साथ मैसूर कैंपस में आपको जाने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज भी है ये, पर सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा. अब चलिए हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं. यस, यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इफ यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड. ओके, हाउ टू गेट गुड मार्क्स, हाउ टू पास इन्फोसिस ट्रेनिंग, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, द मेन मोटो ऑफ इन्फोसिस टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग टू एबल लर्न न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन्फोसिस ट्रेनिंग में एंटायर प्रोग्राम के 2 फेजेस होते हैं, जेनरिक और स्ट्रीम. अब ये बदल भी सकते हैं और इन्फोसिस टीम पे डिपेंड रहते हैं कि आपको वो किस टाइप से बताते हैं. जेनरिक में आपका FA1, FA2, FA3, FA4 होता है. FA1 में पाइथन, ऊप्स यूजिंग पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग पाइथन यहां पर आता है. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आपकी स्ट्रीम, मतलब ये जो जेनरिक फेज है, इसमें जो भी वो आपको देंगे, जो भी मतलब जिस टाइप से भी आपको वो सिलेबस बताएंगे, तो वो डिपेंड करेगा इन्फोसिस टीम पे. बट सबसे बड़ी बात है कि आपको जो डेली असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उनको कंप्लीट कीजिए, मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. जो आउटपुट वाले प्रॉब्लम्स है उनको प्रैक्टिस कीजिए. अब जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स, सबसे बड़ी एक चीज बताता हूँ कि काफी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर ये था कि बहुत सारे मेरे टाइम में काफी सारे कैंडिडेट्स की स्ट्रीम साइबर सिक्योरिटी थी, मेरी स्ट्रीम जावा थी, तो जावा से रिलेटेड वहां पर चीजें चलेगी. DBMS क्वाइट इजी होता है FA2 में, FA3 इजीएस्ट पार्ट रहता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं. FA4 प्रोजेक्ट रिलेटेड रहता है
और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑल द टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग LND सेशन वर इम्पोर्टेंट एट लास्ट विथ मिक्स्ड विथ योर टोटल मार्क्स 65% इज पास. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. डोंट नेग्लेक्ट ऊप्स यूजिंग पाइथन बिकॉज ऊप्स में हेल्प इन स्ट्रीम टू. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रीम से रिलेटेड ट्रेनिंग अलग होती है. जैसे अगर आपका जेनरिक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको गुड स्ट्रीम मिलेगी, जैसे कि जावा, सैप, .NET, प्रिपेयरिंग जावा, .NET वोंट हेल्प इन स्ट्रीम. अब सबसे बड़ी एक चीज की खास बात यह है कि आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं. आपको यहां पर देखिए, आपको आप बिल्कुल है ना, यहां पर एक चीज को नोट कर लीजिए. आपके पास वहां पर इंजॉय करने का भी टाइम यही है और पढ़ाई करने का भी टाइम है. आप अपना शेड्यूल इस टाइप से डिवाइड कीजिएगा कि आप मैक्सिमम टाइम को आप यूटिलाइज कर सकें कि हाँ, हमारी ट्रेनिंग एग्जाम जो है उसको हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है. और इसी के साथ साथ बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आप सभी का ऑफिशियल टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है. आप सभी को और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. रिमेनिंग ज्वाइनिंग भी फेजेस में होने के चांसेस है. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर everyone. लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर watching द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड एग्जाम्स.